News 27 राजस्थान लोकसभा आम चुनाव। जिले में निषेधाज्ञा लागू। जिले में 29 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा आम चुनाव 2019 शांतिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दिनेश चंद जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं, ताकि जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता, विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता, बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके। आदेश के अनुसार इस दौरान कोई भी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, बंदूक एवं एमएल गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, खाखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो, आदि मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घूमेगा, नहीं प्रदर्शन करेगा और नहीं साथ लेकर चल सकेगा। आदेश के अनुसार इस दौरान कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएगा, नहीं भाषण उद्बोधन देगा, नहीं ऐसे पैम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवाएगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरण करवाएगा, नहीं ऐसे ऑडियो, वीडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा कराएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, नहीं अन्य व्यक्ति को सेवन करावाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण को छोड़कर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। वे व्यक्ति जो निःशक्त अथवा अतिवृद्ध हैं और जो लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते हैं, वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परंपरानुसार नियमांतर्गत कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह आदेश पर्वों के दौरान सक्षम स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूस व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा, परंतु यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक मीटिंग की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत के निर्देशों की पालना के अंतर्गत होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं सक्षम मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी उसकी पालना सुनिश्चित करवाएंगे। ऐसे प्रत्येक आयोजन की वीडियोग्राफी भी उपखंड तहसील स्तरीय आदर्श आचार संहिता टीम द्वारा करवानी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी प्रत्येक अनुमति की प्रति खर्चा व्यय के संबंध में सूचना प्रभारी अधिकारी कोषाधिकारी पाली को उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय ड्यूटी के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत हैं, पर लागू नहीं होगा। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।